गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं? अभी होटल में हैं हम लोग और मैं, मेरा दोस्त अभी दोस्त गया है थोड़ा वॉशरूम में। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो शुरू होगा रूम से, डायरेक्ट होटल से। होटल से हम लोग जा रहे हैं एल्विश भाई के घर ढूंढने के लिए। नया घर का पता तो लग गया है लेकिन ओल्ड घर का पता नहीं। नया घर देखने के लिए जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाएंगे। और आज का वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि एल्विश भाई से मिलना मेरा मकसद था। आज मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो भी ऊपर वाला जानता है। तो अभी हमारा वीडियो शुरू होगा थोड़ी देर के बाद। यहाँ से सीधा हम लोग जाएंगे उसके घर के सामने, तब जाके आप लोगों को पूरा दिखाएंगे, नहीं तो लोकेशन का सब पता सबको लग जाएगा। इसके लिए लोकेशन नहीं दिखा सकते, सीधा उसके घर के सामने जाएंगे फिर आप लोगों को दिखाएंगे। अभी रूम में क्या हाल चाल है, बेड में सोया हूँ और इधर देखिए टीवी चल रहा है, इधर कपिल शर्मा शो चल रहा है। मस्ती भाई, मस्ती, सब मस्ती, पैसों से मस्ती हो रहा है। और एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, घूमने के लिए आओ ना तो थोड़ा ज़्यादा पैसे लेके आना। जैसे मैं अभी आया हूँ तो कम पैसे लेके, होटल का रेंट 2000 है, खाना खा, रात को खाना खाया था उसमें 3000, कम से कम 3000 लग गया, 5000 फिर चला गया। सोच रहे हो कि गरीब बंदा के लिए क्या हो सकता है? और ये जो हो रहा है ना, मेरा सपने में आ रहा है, सपने में कि भैया सच्ची में हो रहा है कि ये सपना है कुछ पता नहीं, लेकिन ओरिजिनली ये पार्टी हुआ है, खाना बना खाया है, रूम में है अभी। ठीक है भाई, चलते हैं सीधा उनके घर के पास, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ओके, और एक चीज़ बोलना भूल गया, मेरे चैनल में जो भी आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है भाई वीडियो बनाने के लिए, बहुत पैसा भी खर्चा होता है। आप लोग देख सकते हैं अभी, क्योंकि नॉर्मली तो आप लोगों को रूम नहीं मिलेगा, खर्चा तो होगा ही। इसके लिए जो भी है सब्सक्राइब कर लेना, भाई का सपोर्ट हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, मिलते हैं आगे। तो गाइस, हम लोग आए थे मिलने के लिए उनका पुराना वाला जो घर है उसमें, लेकिन इतना एटीट्यूड वाला एक आंटी था, उसने मतलब उसको पूछा कि भाई एल्विश भाई कहाँ रहते, तो कुछ नहीं बोला, ये रहा उनका घर, ये रोड से आता है। वो मतलब क्या बताया, हम घर पे है कि नहीं है वो भी पता नहीं। यहाँ देख सकते हैं पूरा लोकेशन करेक्ट है, ये उनका बोर्ड लगा हुआ है इधर, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला भाई। एक आंटी थी, उनको पूछा, कुछ जवाब नहीं दे रहे। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, इतना दूर से आसाम से आए लोग, उनसे ना मिले। अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं, ये उनका नया जो हाउस है उसमें आप लोगों को दिखाएंगे। अगर मिल जाते तो ठीक है, नहीं मिलते तो क्या करना है, कुछ भी नहीं भाई। ये रहा नया घर उनका, जो 5 करोड़ का बोल रहे थे, ये वाला है। और ये लोग भी मिलने के लिए आए हैं, उधर एक सिक्योरिटी गार्ड भी है। ये देख सकते हैं पूरा व्यू, ये जो इनका घर है। लेकिन एक चीज़ तो है भाई, घर बढ़िया लग रहा है ये हाउस। भाई आए थे मिलने के लिए लेकिन सफल नहीं हो पाए। ये उनका घर है हमारे पीछे, जो यहाँ से देख सकते हैं ये रोड वगैरह है। तो उनसे मिलने के लिए वो पता नहीं कहाँ पे है, मुंबई है कहाँ है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। सिक्योरिटी गार्ड को पूछा, वो उसने भी कुछ नहीं बोला। अब क्या कर सकते हैं भाई, दुख की बात है। पर्सनली एल्विश भाई को बोलना चाहते हैं कि बहुत दुख लगा, आसाम से आए हैं, इतना दूर होके आपके पास आए लेकिन आप नहीं मिले, बहुत दुख की बात है। ये आपको पर्सनली बोल रहा हूँ कि आसाम से आए लोग तो कम से कम भाई कोई तो कोई बोल दे कि भाई ये बंदा यहाँ नहीं है, दिल्ली है, मुंबई है, कहाँ पर है, कुछ नहीं बोले। इसके लिए बहुत दुख लगा भाई, मन के अंदर से दुख लगा। इतना बड़ा फैन होके आया, आसाम से बेंगलुरु गया, बेंगलुरु से काम किया, टिकट जुगाड़ किया, फिर दिल्ली आया, फिर दिल्ली से आपके गांव में, लेकिन सफल नहीं हुआ।